बागी तो बागी लेकिन आजाद विधायकों के क्या कहने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार पर जो सियासी संकट मंडराया उसमें बागियों का अहम रोल तो था, साथ ही तीन आजाद विधायकों की भी अहम भूमिका रही है। अब आप देख लीजिए, जिस दिन से राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई है उसी दिन से बागी नेताओं के साथ आजाद विधायक भी सैर सपाटे पर निकले हुए हैं, और वो भी हिमाचल प्रदेश से बाहर। खास बात यह है कि बागी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिके थे और कानूनी तौर पर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन ये तीन आजाद विधायकों की राजनीति ने हर किसी को कंफ्यूज करके रख दिया है। सवाल ये है कि आखिर इन आजाद विधायकों का इस लफड़े से क्या लेना देना है? ये आजाद विधायक हिमाचल प्रदेश में वापसी क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आजाद विधायक अपनी जनता के बीच अपनी अपनी विधानसभा से क्यों गायब हैं? आखिर इन आजाद विधायकों का मकसद क्या है? क्या जनता ने इन्हें इसलिए चुनकर विधायक बनाया था कि वो किसी राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाने में व्यस्त रहें? क्या इनकी विधानसभा की जनता ने इन्हें विधायक इसलिए बनाया था कि ये विधायक जनता को छोड़कर अपनी राजनीति चमकाने में व्यस्त रहें? ये तमाम सवाल अब हिमाचल प्रदेश के तीन आजाद विधायकों पर उठने लगे हैं। माना कि ये आजाद विधायक हैं, माना कि ये आजाद हैं और जनता ने इन्हें आजाद ही चुना है, जिसको लेकर ये फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए अपना दुखड़ा जाहिर करते दिख रहे हैं, लेकिन अब इनकी आजाद होने की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर को उनकी विधानसभा की जनता ने आजाद के तौर पर चुना था। आजाद विधायक होशियार सिंह तो फेसबुक पर खुद को देरा का सेवक घोषित कर चुके हैं। रही बात आजाद विधायक आशीष शर्मा और केएल ठाकुर की, तो उन्हें जनता ने अपने सेवक के तौर पर चुना था, लेकिन जिस प्रकार से ये लोग भाजपा के संरक्षण में एक महीने से हिमाचल प्रदेश से बाहर सैर सपाटे कर रहे हैं, तो फिर इनके जनता के प्रति सेवा की भावना कहाँ रह गई है? जाहिर है, एक महीने से अगर ये भाजपा और बागियों के प्रभाव में हैं, तो फिर पिछले एक महीने से इनके विधानसभा की जनता के काम भी नहीं हो रहे होंगे। और लोकसभा चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता के हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब ढाई महीने और काम नहीं हो पाएंगे। फिर इन आजाद विधायकों को जनता द्वारा आजाद चुनने का फायदा क्या हुआ? जनता ने ना तो भाजपा को वोट किया था और ना ही कांग्रेस को वोट दिया था। जनता ने अपने सेवक के तौर पर आजाद विधायकों को जितवाया था, लेकिन अब इन आजाद विधायकों की ऐसी क्या मजबूरी है कि ये जनता से ही दूरी बना रखे हैं? यहाँ सवाल ये भी है कि जनता ने इन्हें ना तो भाजपा और ना ही कांग्रेस के दबाव या प्रभाव में काम करने के लिए चुना था, बल्कि जनता ने इन्हें आजाद तौर पर काम करने के लिए चुना था। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के कुल 11 विधायकों को स्पेशल प्रोटेक्शन के साथ सुरक्षा प्रदान की हुई है। इन विधायकों में तीन आजाद विधायक भी शामिल हैं। सवाल यह है कि इन आजाद विधायकों को शांत प्रदेश हिमाचल में किसका डर है? इन आजाद विधायकों से डर वाली सियासत कौन करवा रहा है? जाहिर है, इन विधायकों की नाराजगी सुक्खू सरकार से है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप भाजपा के संरक्षण में फलो फूलो। अगर आपका भाजपा के प्रति झुकाव है, जिस प्रकार से राज्यसभा में आपने वोटिंग करके जाहिर कर दिया, तो फिर आपको नैतिकता के आधार पर आजाद रहने का भी कोई हक नहीं बनता। ऐसे में क्या अब इनके आजाद होने की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं खड़े होंगे? इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, ये जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।